घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीरथ बने हुए। तीरथ तो तुम कभी कभी जा सकते हो, लेकिन घर में तो हमेशा रहोगे, तो घर को ही तीरथ क्यों ना बना लिया जाए। जिसके घर में रोज सत्संग हो रहा है, रोज भक्ति हो रही है और रोज प्रेम परोपकार सेवा हो रही है, उसका घर ही तीरथ है। माते पिता की सेवा करी के, माते पिता की सेवा करी के, कोटि न तीरथ फल पैबे, मंदिर हम काहे पूजैबे, कोटि न तीरथ फल पैबे, मंदिर हम काहे पूजैबे, घर ही में तीरथ बनैबे, मंदिर हम काहे को जईबे। सासु ससुर की सेवा करी के, सासु ससुर की सेवा करी के, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जईबे, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जईबे, संतन के सत्संग तीरथ में, संतन के सत्संग तीरथ में, मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जईबे, मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जईबे, घर ही में तीरथ बनैबे, मंदिर हम काहे को जईबे। मंदिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मंदिर में जाते जाते आपके मन के अंदर का मैल धुल जाए तो मंदिर में जाना सार्थक है। तीर्थ में स्नान करते करते कम से कम आपके मन में दया क्षमा संतोष आना चाहिए। कितने लोग तीर्थ में खूब नहाते हैं, तो कितने लोग बिल्कुल नहीं नहाते। जो बिल्कुल नहीं नहाते वो कहते हैं, अरे तीर्थ में नहाने से क्या होता है, और मछली खूब खाते, अंडा मुर्गा खूब खाते। और कितने लोग तीर्थ में भी नहाते वो मछली भी खाते, अंडा मुर्गा भी खाते। तो उनसे पूछो तुम क्यों खाते, बोले हम तीर्थ में सब पाप धोवाते हैं, साल भर खाते हैं और आखिर में धो देते। तो जो तीर्थ में नहीं नहाते उनसे पूछो कहे नहीं नहाते तुम भी मांस मछली खाते हो, तीर्थ में नहीं नहाते हो, तुम्हारे पाप कैसे धुलेंगे। बोले जब हम मर जाएंगे तो हमारी हड्डी जो है ना, हड्डियों के फूल, वो हमारे लड़के लोग सब प्रयागराज में प्रवाहित कर देंगे, सब इकट्ठे धोई जाएंगे। रोज रोज हम नहीं धोई तो बवाल नहीं बनाई थे, इकट्ठे धोई जाए सब, जिंदा बचेंगे ही नहीं, सब निपट जाए। उसके बाद खाना भी नहीं, मरी गए ना और दफन हो गए ना, और जो हड्डी फूल बचे घर के लोग प्रवाहित करते हैं। तो उनसे पूछो कि जिंदा हड्डी क्यों नहीं ले जाते हो, जिंदा में चले जाओ डुबकी लगाए। बोले पर्याप्त पाप कर चुका हूं, अब हमका गंगो जी तार न पे, तो ये हड्डी फूल यानी डार दे वह बहे चले जे ही कहूं। कहां कैसे तरो, कैसे तरो नाथ, कैसे तरो नाथ। कबीर साहब कहते कैसे तरोगे, जब से चेत जाओ तब से ये सब खाना पीना बंद कर दो, मांस मछली अंडा नशा शराब, इससे वर्तमान में भी दुख पाओगे, लोक परलोक दोनों बिगड़ेंगे, ढेर पाप लगेगा आपको। छोटी सी जीवा के स्वाद के चक्कर में तुमने कितने जीवों का वध किया है, कितनी हत्याएं की हैं। जीव घात नहीं कीजिए, बहुर ले तो वही कान, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण।
कुछ लोग सोचते हैं खूब मांस मछली खाओ। और हमारे देश के अंदर मैं हिमाचल गया था, वहां एक शिकारी माता का मंदिर था, वहां भेड़ा और बकरा मारा जाता है। बोल रहे थे 100-200 भेड़ा बकरा रोज कट जाते हैं। हमने कहा क्या नाम देवी का? बोले शिकारी माता, ये शिकार करती है तभी खुश होती है। तो हमने कहा मांस कौन खाता? बोले हम सब पंडे पुजारी खा जाते हैं, और जो लाता बकरा उसके नाम से काटते उसको भी मांस दे देते। मांसाहार को भी भक्ति मान रखा है। जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं पूजा। वो गड़सा लेकर खड़े थे बकरा काटने के लिए। मैंने थोड़ा उनको समझाया, सब बकरों के मूड़ कटे पीछे पड़े थे पहाड़ के पीछे, सब खुर और टांगे पड़ी रहे। हमने कहा तुम लोग बहुत पाप कर रहे हो देवी के नाम पर। कहां कहां कितनी कितनी देवी नाम रखा है उसका, शिकारी माता, शिकारी देवी। मनुष्य को जो जो जरूरत है, जैसा जैसा उसका मन है, वैसी वैसी देवी निकाल लाता है। शिकारी देवी, ये शिकारी कोई देवी है? शिकारी तो पापी होता, वो देवी कैसे हो सकता? या देवी सर्व भूते शक्ति रूपेण सस्ता, नमस्तत्सई 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 नमो नमः। देवी जो है दया रूप है, मात्र रूप है, और देवी शक्ति रूप है। और देवी सबको रक्षा करने वाली है, देवी किसी को मारती नहीं है, देवी सबको तारती है। देवी के नाम पर, देवताओं के नाम पर बकरे की बलि करना, सुअर की बलि करना, भैंसे की बलि करना, ये महापाप है। इस आडंबर को बंद करो और सबको जीने दो, पाप मत करो, तब आपकी आत्मा का कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। धन्य हो धन्य, धन्य है गोरखपुर, धन्य है देवरिया, धन्य है कुशीनगर, धन्य है भारत देश। मैं यहां देख रहा हूं ऐसा कोई श्रोता नहीं जो दान ना करता। अब मुझे यहां से उम्मीद लगी है कि आपके दान से अयोध्या में आश्रम धीरे धीरे बन जाएगा, 2-4 साल में हो जाएगा। क्योंकि उधर भी माता बहन दान, जिसकी जितनी श्रद्धा है, दान कोई धनवान होने से नहीं कर पाता, श्रद्धा श्रद्धा है, समझदारी है, तो दान कर देता है। और आपका दान सब बड़े पुण्य के कार्य में लगेगा, क्योंकि हम एक ऐसे संत हैं जहां कोई व्यसन नहीं, कोई नशा नहीं, कोई परिवार से रिश्ता नहीं, कोई मोह ममता नहीं, कोई बकवास नहीं, बस संत और भक्त ये दो ही है हमारे पास। ये संत है और भक्त लोग आप लोग हैं, बस और कुछ नहीं, कहीं लगाव नहीं, कहीं कनेक्शन नहीं, कोई लफड़ा पचड़ा नहीं, बस सब मुक्त जीवन। और मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है, सच्चाई बहुत अच्छा है। तो आप ये न सोचना कि मेरा दान कहाँ जाएगा, तुम्हारा दान भंडारा में लगेगा, तुम्हारा दान आश्रम बनेगा उसमें लगेगा, वहां आकर तुम ही रहोगे, तुम्हारे लिए ही आश्रम बनाएंगे, उसमें रहोगे आप, राम का दर्शन करने जाओगे रामनवमी में, दीपावली में, तो वहीं पर रात हो जाएगी तो अपने आश्रम में विश्राम करोगे, वहीं भोजन भंडारा लोगे, वहां अपना झोला झंडा रखोगे, सरयू में स्नान करोगे, और वहीं प्रवचन में सुनाऊंगा आपको, हम मिलेंगे वहीं पर आप। ये व्यवस्था है, सबके कल्याण का केंद्र बनेगा, कल्याण का केंद्र बनेगा। उसमें ऐसा नहीं कि वो आश्रम हम अपने आराम के लिए बनाएंगे, आराम आराम, जो आराम चाहेगा वो ये रावत डांडी गांव में आ ही नहीं पाएगा, आराम आराम नहीं। हमेशा मन निर्मल है, सब आराम ही है, चाहे जहां रहो आराम है। भगवान राम वनवास में थे, वहां भी उनको आनंद था।
आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो, आपका परिवार संस्कारों से विभूषित बने, आपकी लंबी आयु हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी संतान आपकी आज्ञाकारिणी बने, ऐसी व्यासवादी आशीष प्रदान करती है और आपके द्वारा पुण्य के कार्य हो साथ